जेजू स्टोन एंड बोनसाई गार्डन। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ तो हम ही देख रहे हैं। हलीम पार्क बहुत बड़ा पार्क है और इसमें बेसिकली दो लावा केव हैं और बोनसाई गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है और कई चीज़ें हैं। मल्टी पर्पज है, बहुत बड़ा है। तो लेट अस स्टार्ट दिस टूर। हमारा आगे ये ग्रुप जा रहा है, 37 लोगों का ग्रुप है। इस ये जेजू आइलैंड में वेस्टर्न कोस्ट टूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो खूबसूरती है जेजू आइलैंड की, ये स्टोन्स हैं, ब्लैक स्टोन्स। हलीम नाम कैसे पड़ा ये भी गाइड से पूछना है। ये केव एंट्रेंस आए हैं हम लोग, पहला केव। केव के बाहर सेना तैनात है बिल्कुल। केव नंबर 2। Originally, this kind of forest, 10% of the whole island, but now only just 6% remain. That's because this kind of forest, best condition for building golf course. So on Jeju Island, there are 30 golf courses. That's because rainwater drains out quickly. So best condition for golf course. So now is Jeju people academically this kind of the value of forest. Now Jeju people know. So now is protect this kind of the forest area. We still 6% remain on Jeju Island. The 4 areas for Gotjawa. So now is the biggest area of Gotjawa.
सब पुराने जूते, पुराने जूते फेंकने की जरूरत नहीं है, उनका इस्तेमाल ये ऐसे कीजिए। यह है आसुलोक टी म्यूजियम और उधर है इनिस्फ्री जेजू हाउस। जेजू में टी म्यूजियम जो है काफ़ी फेमस है और जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट ये भी माना जाता है। तो देखते हैं कोई बढ़िया टी होगी तो खरीद भी लेंगे हम लोग। यहाँ फ्री की चाय मिल रही है टेस्टिंग के लिए। अरे तुम भी ले आई क्या? इनिस्फ्री जेजू हाउस। Songkhak, beautiful sea view. जेजू का हमारा लास्ट स्टॉप है चेंजियांग पार्क वाटर पार्क। बस उसको देखने के बाद बिल्कुल भागते भागते एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि सामान जो है होटल में ही है। तो बस छोड़ के, टूर बस छोड़ करके हमको टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। दोस्तों हमारा जेजू के ही साथ साउथ कोरिया का 7 दिन का टूर अब समाप्त होता है। अभी 3 घंटे बाद हमारी सियोल की फ्लाइट है। दोस्तों आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जेजू सियोल सेक्टर पर प्रतिदिन दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ान है। जेजू से इंडिया की भी वाया सिंगापुर फ्लाइट है। हमसे गलती हो गई कि हमने वाया सियोल ओसाका जापान की फ्लाइट बुक की जिससे हमें काफ़ी महंगा पड़ा और अनावश्यक भागा दौड़ी भी करनी पड़ी। दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के बाद जापान और ताइवान ट्रेवल की सीरीज शुरू होनी थी परंतु उसे रोककर कुछ महीने पहले मेरी आइसलैंड की यात्रा सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूँ। आशा करता हूँ राष्ट्रीय संदौर की मिसाल आइसलैंड की वीडियो देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा।